हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्विट में फिर से एक नया वैकेंसी निकल के आने वाला है बहुत ही जल्द। उसमें भी क्वालिफिकेशन का आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि उसमें भी क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं था, इसमें भी क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं था। तो ये जो जॉब के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, ये भी गवर्नमेंट के अंडर से ही निकलेगा, गवर्नमेंट का हिसाब से ही बुलाया जाएगा कुवैत में आप लोगों को। इस जॉब में कोई परेशानी नहीं होगा, जैसे एकामा का परेशानी हो या वीज़ा का परेशानी या बहुत कुछ परेशानी रहता है, ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में ही वीज़ा निकाल के लाया जाएगा। सो आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे एकामा का हो, मेडिकल का हो, कुछ सिस्टमेटिकली होगा, आपको काम दिया जाएगा। तो गाइज, ऐसा जो भी जॉब निकलता है, इस जॉब का हायरिंग कैसे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से लोग जाते हैं इंडिया में, वहाँ पे जाके सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जाने से पहले वो लोग अपडेट दे देते हैं कहाँ पे जाएंगे, कौन सा एरिया में, चाहे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कौन सा ऑफिस में जाएंगे, कहाँ पे इंटरव्यू होगा, कितना तारीख को इंटरव्यू होगा। तो गाइज, ये जो जॉब के बारे में बताया जा रहा है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन का जॉब के बारे में बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन का जो काम है, इसमें लेबर का शॉर्टेज हो रहा है कुवैत में। सो जो भी लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहते हैं, आप लोग रेडी रहिए, बहुत ही जल्द इसका भी अनाउंसमेंट किया जाएगा कहाँ पे इंटरव्यू होगा या कहाँ से सिलेक्शन होगा। ऑलरेडी बातचीत चल रहा है, ऑलरेडी बताया जा रहा है कौन कौन सा काउंट्री से लेबर चाहिए। आप लोग रेडी हो जाइए हायर करने के लिए, कितना लेबर चाहिए। तो अभी तक लेबर का पूरा डिटेल्स नहीं बताया गया है कि कितना लेबर चाहिए एंड कितना सैलरी दिया जाएगा, खाने का रहने का पैसा दिया जाएगा या नहीं, अभी तक डिटेल्स में नहीं बताया गया है। बस ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि बहुत ही जल्द कंस्ट्रक्शन लाइन में हायरिंग किया जाएगा। जब भी हायरिंग किया जाएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। सो अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा है तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि स्कूल का क्लीनिंग का जॉब का हायरिंग बहुत ही जल्द होने वाला है, इसी में महीने में। तो इसका भी डेट बहुत ही जल्द फाइनल हो जाएगा। तो जब भी अपडेट आएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। अगर आज मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं आज के आज ही आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आप लोग जाके अप्लाई कर सके। ये सब वीज़ा में फ़ायदा यही है कि आपका खर्चा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम खर्चा में आप लोग कुवैत में आ सकते हैं, क्योंकि वीज़ा जो मिलता है वो आप लोगों को फ्री में मिलता है। खर्चा लगभग आपका बस यही होता है कि आपका मेडिकल का हो सकता है या टिकट, मेडिकल टिकट, ये सब बहुत सारे कंपनीज टिकट भी देते हैं, तो इसलिए खर्चा बहुत ही कम है। कम खर्चा में आप लोग आ सकते हैं, सैलरी आप लोगों को बराबर मिलेगा यहाँ पर आने के लिए, कोई गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए इस सब काम में आने का फ़ायदा यही है। तो गाइज, आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द इसका अपडेट आ जाए एंड मैं आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करूँ। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि ऐसा जब भी अपडेट आए आप लोगों को सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो, मैंने अपडेट दे दिया, आपको पता ना चले कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है, तो इतना तक वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।